अगर किसी के घुटने में दर्द होता है, घुटनों में दर्द अक्सर बना रहता है। अगर आपको घुटने के दर्द से राहत पाना है तो आपको आज मैं जो 8 दमदार उपाय बताने वाला हूँ उसका जरूर से इस्तेमाल करना है। घुटनों के दर्द की छुट्टी करने के लिए आपको ये नुस्खे जरूर अपनाने हैं। आइए ज्ञानवीर नुस्खे का यह वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। आज मैं जो आपको घुटने के दर्द के उपाय बताने वाला हूँ वो काफी हद तक आपको दर्द से राहत दिलाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर पेड़ से सिकाई करनी है जिससे कि घुटने के दर्द से आराम मिलेगा। नंबर 2 पर आपको भोजन में दालचीनी, जीरा, अदरक और हल्दी का उपयोग अधिक से अधिक करना है। गर्म तासीर वाले पदार्थों का सेवन करने से घुटनों की सूजन और दर्द कम होता है। नंबर 3 पर आपको मेथी का दाना, सौंठ, हल्दी इन सभी को बराबर मात्रा में तवे या फिर कढ़ाई में भूनकर आपको पीस लेना है और ये जो चूर्ण रहता है इसको आपको रोजाना सुबह शाम भोजन करने के बाद गर्म पानी के साथ मिलाकर पी लेना है। ये नुस्खा काफी काम का है और घुटने के दर्द से आपको राहत दिलाएगा। काफी दमदार नुस्खा ये है। नंबर 4, रोजाना सुबह दोस्तों खाली पेट 1 चम्मच मेथी के पीसे दानों को आप 1 ग्राम कलौची मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लेना है। मैं एक बार वापस से बोलता हूँ, आपको रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच मेथी के पीसे दानों को 1 ग्राम केवल 1 ग्राम कलौची मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लेना है। दोपहर और रात में खाना खाने के बाद आधा आधा चम्मच लेने से जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से आपको राहत मिलेगी। नुस्खे काफी असरदार है। नंबर 5, आपको खाली पेट लहसुन की 1 कली दही के साथ खानी है, इससे भी घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी। नंबर 6, आपको हल्दी का चूर्ण या फिर हल्दी पाउडर, गुड़, मेथी दाना पाउडर और पानी इन सभी को आपको अच्छे ढंग से मिला लेना है। आप थोड़ा सा गर्म करके इस लेप को रात को घुटनों पर लगा सकते हैं। घुटनों पर लगाने के बाद आप चाहे तो पट्टी भी बांध सकते हैं। इससे देखिएगा अगली सुबह ही घुटनों के दर्दों में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 7, आपको बराबर मात्रा में नीम और अरंडी के तेल को हल्का गर्म करके सुबह शाम जोड़ों पर मालिश करनी है, इससे भी घुटनों का दर्द काफी हद तक सही हो जाता है। नंबर 8, दोस्तों गेहूं के जो दाने होते हैं उनको आप चूना दही या फिर दूध में घोलकर दिन में 1 बार जरूर खाएं। इसे 90 दिन तक यानी 3 महीने तक खाने से कैल्शियम की जो कमी होती है वो पूरी हो जाएगी और कैल्शियम की कमी पूरी होने से हड्डियां मजबूत होती है और दर्द से भी राहत मिलता है। ये कुछ 8 ऐसे उपाय थे जिससे कि घुटनों के दर्द से 100% असर मिलता है और घुटनों के दर्द से राहत मिलती है। आशा करता हूँ ज्ञानवीर नुस्खे का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपकी कोई भी समस्या है, सवाल या फिर सुझाव है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ स्वास्थ्य से संबंधित नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।